यूपी की राजनीति में एक नाम बहुत चर्चा में बना हुआ है, वो है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव को लेकर बहुत सारे सवाल जो आपके हमारे मन में कहीं ना कहीं बने हुए थे, उन सारे सवालों से आज खुद शिवपाल यादव ने पर्दा हटा दिया है। ना बीजेपी ना समाजवादी पार्टी, शिवपाल करेंगे प्रसपा को मजबूत करने की तैयारी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चहलकदमी का माहौल तो बना ही हुआ है, साथ ही नाराजगी और मनाने का सिलसिला भी खूब जोरों पर चल रहा है। शिवपाल यादव को लेकर जो सारे सवाल आपके मन में बने हुए थे, उनमें धीमी गति से ही सही, लेकिन चाचा शिवपाल यादव ने सब कुछ साफ कर दिया है और अपनी पार्टी यानी कि प्रसपा को मजबूत करने की ओर बढ़ चुके हैं। अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने सारे सवालों पर विराम लगा दिया है। अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दे, निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिवपाल यादव की अपने भतीजे यानी कि अखिलेश यादव से बढ़ती दूरी को लेकर ये कयास थे कि शिवपाल जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर आजम खान जो खुद अखिलेश के तेवर से बेहद नाराज हैं, दोनों मिलकर कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। साथ ही साथ जब जब शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया उनके आगे की रणनीति को लेकर, तो उचित समय आने का हवाला देकर वो शांत हो जाते थे, लेकिन अब लगता है वो उचित समय आ चुका है। जी हाँ, शिवपाल यादव ने 8 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष घोषित कर तमाम सवालों से पर्दा हटा दिया है। इसमें यूजन जनसभा के अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी बनाए गए हैं, यूथ ब्रिगेड के नितिन कोहली और छात्र सभा के अध्यक्ष दिनेश यादव को बनाया गया है, लोहिया वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आलम खान को बनाया गया है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा और महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मी बोहरा को बनाया गया, संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संगीता यादव तो अजीत यादव को अधिवक्ता महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, शिक्षक सभा का प्रदेश अध्यक्ष रवि यादव को बनाया गया है। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधान मंडल दल से निकाल दो। मैं तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जब समाजवादी विधान मंडल दल में हमको नहीं मानते हैं, नहीं निमंत्रण दिया जाता है, तो फिर शीघ्र निकाल देना चाहिए। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पारिवारिक कलह सबके सामने आ गई थी। इसी कलह के बाद से शिवपाल सपा से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी पार्टी प्रसपा का गठन किया था। अब एक बार फिर से साथ में आकर के चाचा का भतीजे से दूर हो जाना क्या सपा और अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाती है, या फिर अखिलेश भी आगे कुछ नई रणनीति बनाते नजर आएंगे, इसके इंतजार में तमाम लोग बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।